क्लास एट्थ चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मीन टू मेज़र ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करना। मेजरमेंट किस चीज़ की, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, सर्कल एट्सेट्रा। वॉल्यूम फाइंड करना, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना हो, तो इन चीज़ों को जब हम मेज़र करते हैं तो ये सारे टॉपिक्स आते हैं मेंसुरेशन। एक्सरसाइज 11.1 में जो फार्मूले यूज़ होने जा रहे हैं उन फार्मूलाज को आप नोट कर लेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे। फार्मूला नंबर 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। ये रेक्टेंगल है, ये उसकी लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी। एरिया का मतलब ये जो पोर्शन है, जो शेड, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फार्मूला एल इंटू बी। क्वेश्चन नंबर 2, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्री साइड्स, जैसे ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, बाउंड्री साइड्स हैं, फिर ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, यानी कि 2 लेंथ होगी और 2 ब्रेड्थ होगी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला बन गया 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में आप जानते हैं ईच एंगल 90 का होता है और ईच साइड भी इक्वल होती है, लेट ईच साइड इज ए, ये भी ए, ये भी ए, चारों साइड ए के इक्वल होंगी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा ए स्क्वायर। एरिया क्या होता है, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये है एरिया ऑफ स्क्वायर और वो होगा इक्वल टू ए स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ए ए ए ए क्या हो गया 4a, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बन गया 4a। क्वेश्चन नंबर, फार्मूला नंबर 5, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का बेस b हो गया, ये उस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हम h कहते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस b और हाइट h, 1/2 बी इंटू h। फार्मूला नंबर 6, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर h हो गया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला b इंटू एच। पैरेललोग्राम का सिंबल इस प्रकार से होता है, पैरेलल का सिंबल बनाकर g हम लिख देंगे पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जी जो हम शेड कर रहे हैं सारा, यही है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नंबर 7, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल जो देख रहे हैं, सर्कल का ये जो सारा शेडेड पोर्शन है, यही है एरिया ऑफ सर्कल। ये सेंटर ओ हो गया, ये रेडियस आर हो गया, ये हो गया रेडियस आर, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन राउंड। जैसे पॉइंट ए है सर्कल के ऊपर, यहाँ से हम चले और यहाँ से ट्रेवलिंग करते हुए ए तक पहुँच गए, तो ये डिस्टेंस हो गया इन वन राउंड, डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, वो होगी 2πr। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड किसके इक्वल होता है, वो होता है 2πr। तो ये 8 फार्मूलाज हो गए, इन फार्मूलाज को आप लिख लेंगे फेयर कॉपी में और अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। पेज नंबर 170, ट्राई दीज। एक्सरसाइज 11.1 करने से पहले हम ये ट्राई दीज करेंगे पेज नंबर 170 पर। ए पार्ट, ए का भी फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ये एक पैरेललोग्राम है, बेस 14 सेंटीमीटर हो गया, ये जो एरो मार्क है ऊपर से लेके नीचे तक है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर को शो कर रहा है, यानी कि एच 7 हो गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, बेस 14, हाइट 7, 14 7 जा 98। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे आया, क्योंकि ये बेस है 14 सेंटीमीटर
और हाइट भी क्या है 7 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में ये सेमी सर्कल गिवन है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर क्या है, ये है डायमीटर, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है, ये रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर और ये भी रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अब एरिया ऑफ सर्कल हमने यहाँ पढ़ा था पाई आर स्क्वायर, तो सेमी का मतलब हाफ सर्कल, हाफ सर्कल का एरिया क्या होगा, आगे हाफ लगा देंगे 1/2 πr² 1/2 π की जगह 22/7, आर स्क्वायर की जगह 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 11 × 7 = 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। पेज नंबर 170 पर ही पार्ट ए का थर्ड पार्ट, ये ट्राइंगल का ये बेस हो गया 14 सेंटीमीटर और इस बेस पर परपेंडिकुलर है 7, इसको हम एच कहते हैं H7, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस हो गया 14, हाइट होगी 7, 2 × 2 = 7, 7 × 7 = 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। पेज नंबर 170 पर ही पार्ट बी पार्ट वन देखेंगे, ये रेक्टेंगल है, ये उसकी लेंथ होगी 14, ब्रेड्थ होगी 7, इसमें हमको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B, 2 × लेंथ होगी 14, ब्रेड्थ होगी 7, 2 × 14 + 7 = 21, 21 × 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड्स होती हैं, साइड्स का सम, तो वो सेंटीमीटर में ही लिखेंगे हम। बी सेकंड पार्ट पेज नंबर 170 ही है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ईच साइड इक्वल होती है 7 7, ये भी 7, ये भी 7, तो साइड ऑफ स्क्वायर इसको हम नाम दे देते हैं ए, लेट ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड a + a + a + a, यानी कि 4a, 4 × 7 28 सेंटीमीटर। तो जितने भी ट्राई दीज के क्वेश्चन हैं पेज नंबर 170 पर, ये आज हम सॉल्व करेंगे और ये जो 8 फार्मूलाज आपको लिखवाए हैं ये भी आज आप फेयर कॉपी में लिखेंगे और डायग्राम भी बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल स्केल एंड कंपास का यूज़ करते हुए, और इन फार्मूलाज को आप लर्न भी करेंगे। थैंक यू।